हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंक्वेस्ट के बारे में तो इंक्वेस्ट क्या होता है इंक्वेस्ट इज एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ विच इज अपेरेंटली नॉट ड्यू टू नेचुरल कॉज कोई भी एक ऐसा डेथ जो कि नेचुरल कॉज की वजह से नहीं हुआ हो उसमें हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि, कि किस वजह से डेथ हुई हो उसे हम इंक्वेस्ट कहते हैं अगर नेचुरल डेथ हुआ रहता तो किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लेकिन अननेचुरल कॉज है तो अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है कि किस वजह से डेथ हुआ है और नेसेसरी एक्शन लिया जाए ताकि जो अक्यूज है जिसने भी ये काम किया है उसे पनिशमेंट मिल सके बात करें एग्जाम्पल्स की तो सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू अनोन कॉज सुसाइड होमिसाइड इन्फेंटिसाइड कोई भी एक्सीडेंट में डेथ पॉइजनिंग में डेथ ड्रग्स की वजह से डेथ एनीस्थीसिया के अंडर डेथ ऑपरेशन करते वक्त टेबल पे डेथ कोई भी अनएक्सप्लेन डेथ मेडिकल नेग्लिजेंस के वजह से डेथ या किसी प्रिजनर की डेथ इन सब केसेस में इंक्वेस्ट किया जा सकता है अब बात करें टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट की तो दो तरह के इंक्वेस्ट होते हैं एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट और एक होता है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट तो पुलिस ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल इनके पास पावर्स हो सकते हैं कि ये इंक्वेस्ट होल्ड कर सकें एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक केसेस में जहां मैजिस्ट्रेट को इंक्वेस्ट कंडक्ट करना होता है जो पुलिस ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है उसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं ही होल्ड एन इंक्वायरी इन टू द कॉज ऑफ डेथ इन प्रेजेंस ऑफ टू और मोर विटनेस वो आर कॉल्ड पंचास तो ये इंक्वायरी दो विटनेस के सामने की जाती है जिसे हम पंचास कहते हैं वो एक रिपोर्ट बनाएगा कॉज ऑफ डेथ का जो उसके द्वारा जज किया गया होगा और पंचास का आसपास का सराउंडिंग बॉडी और इंजुरीज देख कर रिपोर्ट बनाया जाता है अब इस रिपोर्ट को हम लोग पंचनामा कहते हैं और ये कंपाइल किया जाता है पांच रिस्पेक्टेबल पर्सनस के द्वारा इंक्वेस्ट रिपोर्ट को फिर साइन किया जाता है उस पुलिस ऑफिसर और विटनेस के द्वारा अगर कोई फाउल प्ले या कोई गड़बड़ नहीं सजेस्ट है तो ये डेड बॉडी को रिलीज किया जाता है ताकि इसे डिस्पोज किया जा सके लेकिन अगर कुछ भी शंका या संदेह है तो ये बॉडी को अटॉपसी के लिए भेज दिया जाता है नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर के पास विद अ रिक्विजिशन एंड कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट अब बात करते हैं मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की तो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का मतलब हुआ इंक्वायरी कंडक्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट टू अ सर्टेन मैटर्स ऑफ फैक्ट इट इज़ कॉमनली हेल्ड इन फॉलोइंग केसेस कोई भी डेथ इन कॉन डेथ ऑफ अ कॉन्विक्ट जेल डेथ ऑफ अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी और ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस शूटिंग किलिंग एक्स ह्यूमेशन केसेस डाउरी देथ्स डेथ्स ऑन ऑपरेटिंग टेबल या एनेस्थेटिक डेथ इन सब केसेस में मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किया जाता है पुलिस इंक्वेस्ट नहीं किया जाता है उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें